दर्शकों से क्या चाहते हैं? दर्शकों से आशीर्वाद चाहते हैं कि बच्चे सही सलामत बाबा के दरबार पहुंच जाए, इतना ही दुआ दे हमको सब मिल के। और हमारे पास कोई चीज नहीं, इनका दुआ चाहिए, आप पब्लिक का दुआ चाहिए, जितने भी सनातन बाबा जी। ये आपका जो भेष है इसके बारे में क्या कहना है आपका, ये क्या है? सर, हम प्रभु शनिदेव महाराज पर विश्वास रखते हैं कि हम वहाँ उनके चरणों तक पहुँचेंगे और उनका साथ है हमारे साथ। जिस दिन से बाबा को वहाँ अपने यहाँ दरभंगा नाका नंबर 2 शनिदेव स्थान पर निर्माण किए हैं, उस दिन से हमारे यहाँ कार्यक्रम लगातार अब तक वर्तमान तक हर 1 जनवरी में 31 दिसंबर को भंडारा करके 3 दिवसीय कार्यक्रम करते हैं। जिस दिन से शुरू किए हैं आज तक वो होते आया है और हमको संपूर्ण विश्वास है कि जिस काम को हमने बाबा के नाम से सोच लिया है वह काम में हमारा बाबा साथ देंगे। और हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, सब इनका महिमा है। हम तो एक मनुष्य हैं और मनुष्य के नाते एक भगवान पर विश्वास रख के और उनके श्रद्धा के स्वरूप और अपने सनातन पर, सनातन धर्म पर विश्वास रखते हैं। इसी उद्देश्य से शनिदेव महाराज के पास और अयोध्या प्रभु राम आ रहे हैं, तो प्रभु राम आ रहे हैं तो हमारे पास बहुत खुशी है, हम बहुत गदगद हैं मन से। वहाँ भी जा रहे हैं क्या? 22 जनवरी को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा है। देखिए, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा तो अलग है और उनके दरबार होते हुए उनसे हम भले उनके कार्यक्रम में हम 22 जनवरी को वहाँ शामिल हो या ना हो, मगर हमको अंदर भावना से उनके प्रति बहुत खुशी है और पूरे भारत के खुशी है। हम उनके प्रांगण होते हुए मथुरा कपिला वन शनिदेव स्थान को होते हुए उनका सारी दरबार अयोध्या से पैदल यात्रा कहाँ से शुरू किए हैं? पैदल यात्रा हमारा शनिदेव स्थान नाका नंबर 2 से 5 तारीख को 2 बजे दिन में हम प्रांगण को प्रस्थान कर गए हैं। हमारी यात्रा प्रस्थान कर गई। ये कब तक चलेगा? ये लगभग हम तो हौसला रखे हुए हैं बाबा के आशीर्वाद से 3 महीना तक के अंदर में पूरा दर्शन कर ले हर जगह का, जहाँ तक मनोकामना है मेरा सबका। अपना परिचय बता दीजिए थोड़ा। हमारा नाम विजय कुमार गुप्ता हुआ, मेरा पिताजी का नाम श्री जगन्नाथ प्रसाद गुप्ता हुआ, माता पिता दोनों का आशीर्वाद मेरे सर पर है और पूरे समाज का और जो भी सनातन है उनका आशीर्वाद मेरे साथ हर जगह हर मोड़ पर मिलता आया और मिलते जा रहा है। हर जगह कोई ना कोई भगवान भेज दे देते हैं। रहने खाने का क्या प्रबंध होता है? रहने खाने का बाबा के दया से जहाँ बाबा मन कर लेते हैं मंदिर मंदिर में वहाँ रुक जाते हैं, कहीं बाबा प्रसाद बनने रहते हैं तो खिला देते हैं, नहीं तो दूध उध लाए अपना खा लिए, चूड़ा उड़ा दूध उध केला उला जो जहाँ मिला कोई दिया तो उनका भी आदर करते हैं, नहीं लेना। शाकाहारी भोजन ही करते हैं या फिर मांसाहारी भी? शुरू से ही लगभग 16 साल से हम शाकाहारी हैं, बचपन से भी मेरा लगाव मांसाहारी से नहीं रहा। जय शनिदेव।